एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस थ्री एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो ए एलिमेंट ऑफ आर बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच बोथ रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. तो इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो जरूरी है वो डीपर डिपेंडिंग प्रॉब्लम्स हैं. तो अगर इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का मैं डी कैलकुलेट करता हूं तो डी कितना है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी दैट इज ए माइनस थ्री होल स्क्वायर माइनस फोर ए. याद है अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा तो कितना आएगा ए स्क्वायर प्लस नाइन माइनस सिक्स ए माइनस फोर ए दैट इज ए स्क्वायर माइनस प्लस नाइन माइनस टेन ए. ठीक है ना. तो अगर मैं अगेन इसके फैक्टर करना चाहूं तो ए स्क्वायर माइनस नाइन ए माइनस ए प्लस नाइन एंड जो डी आया मेरे पास ए कॉमन ले लें तो ए माइनस नाइन एंड माइनस वन कॉमन ले लें तो ए माइनस नाइन. तो जो डी मेरे पास आ गया वो आ गया ए माइनस वन इन टू ए माइनस नाइन. कॉफिशियंट्स रियल हैं डी कैलकुलेट कर लिया है उस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स हैं एंड डी मेरे पास आ चुका है ए माइनस वन इंटू ए माइनस नाइन. अब रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जिसके कोफिशिएंट्स रियल हैं रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट तब होते हैं जब मेरे पास डी कैसा हो ग्रेटर देन जीरो डी ग्रेटर देन जीरो. तो अगर मैं डी ग्रेटर देन जीरो सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेबी कर्व मेथड से हम कर सकते हैं डी की वैल्यू कितनी है मेरे पास ए माइनस वन और ए माइनस नाइन. तो ये डी जीरो कहां कहां पे होगा वन पे जीरो होगा नाइन पे जीरो होगा. अगर ए वन से नाइन से ज्यादा होगा तो ये भी पॉजिटिव प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा. यहां पर नाइन और वन के लिए जीरो होगा तो यहां पर निगेटिव आ जाएगा फिर ये पॉजिटिव होगा. दोनों के दोनों टर्म्स नेगेटिव हो जाएंगे वन से नाइन के बीच में एक नेगेटिव एक पॉजिटिव आएगा. तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट के लिए आंसर आएगा ए इज एलिमेंट ऑफ माइनस इनफाइनाइट टू वन ओपन यूनियन नाइन ओपन टू इनफाइनाइट और वन और नाइन मेरे आंसर्स नहीं है. ठीक है तो फर्स्ट का आंसर आ गया फर्स्ट का मेरे पास आंसर आया माइनस इनफाइनाइट टू माइनस वन ओपन यूनियन नाइन ओपन टू इन्फाइनाइट. सेकेंड वन बोथ रूट्स आर इक्वल. तो बोथ रूट्स आर इक्वल डी इक्वल टू जीरो ये कैलकुलेट किया है तो इसकी दो वैल्यू आएंगी एक ही या तो ए कितना आएगा वन आएगा. इसका जो कंडीशन क्या लगाएंगे हम डी इक्वल टू जीरो तो आंसर या तो ए वन आएगा या नाइन आएगा. रूट्स आर नॉट इक्वल तो रूट्स आर नॉट इक्वल नॉट रियल तो नॉट रियल डी लेस देन जीरो होता है. अभी अभी मैंने कैलकुलेट किया था डी लेस देन जीरो किसमें आएगा वन से ए इज एलिमेंट ऑफ वन ओपन टू नाइन ओपन वन से नाइन के बीच में जो इन्फाइनाइट रियल नंबर्स हैं वो हमारे आंसर्स होंगे. रूट्स आर अपोजिट इन साइन. तो अपोजिट इन साइन का मतलब क्या है कि रूट्स रियल भी हैं और अपोजिट हैं तो डी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए साथ में अल्फा इंटू बीटा लेस देन जीरो होना चाहिए. तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी मीन्स ए माइनस थ्री है और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है अल्फा बीटा की वैल्यू ए है. तो रूट्स आर अपोजिट साइन. तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो नहीं डी ग्रेटर देन जीरो एंड साथ में अल्फा इंटू बीटा मस्ट बी लेस देन जीरो. तो अल्फा इंटू बीटा अगर लेस देन जीरो होगा तो ए लेस देन जीरो आएगा. तो ए लेस देन जीरो में कौन से आंसर एक्सेप्ट करेंगे हम माइनस इनफाइनाइट टू जीरो वाले सभी आंसर एक्सेप्ट हो जाएंगे. यहां पे क्या आएगा डी ग्रेटर देन जीरो एज वेल एज अल्फा बीटा लेस देन जीरो तो इससे आंसर आएगा ए इज लेस देन जीरो. ठीक है रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन.
ये मेरे पास कब आएगा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, तो अल्फा बीटा लेस देन जीरो आना चाहिए और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू जीरो आना चाहिए। तो यहां से ए लेस देन जीरो हुआ, लेकिन यहां से ए इक्वल टू थ्री हुआ, इसका मतलब कोई भी ए पॉसिबल नहीं है। जब जब रूट्स कैसे होंगे, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे और अपोजिट इन साइन होंगे, तो सम जीरो आएगा और प्रोडक्ट लेस देन जीरो आएगा। लेकिन जो गिवन कंडीशन है उसके हिसाब से ऐसा कोई भी ए नहीं है जिसके लिए रूट्स क्या है, अपोजिट साइन क्या है, और साथ में मैग्नीट्यूड भी कैसे हो उनके, सेम हो, बोथ आर पॉजिटिव। तो रूट्स बोथ आर पॉजिटिव कब कब होंगे, कि जब मेरे पास डी ग्रेटर देन जीरो होगा, डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। अल्फा प्लस बीटा कैसा आएगा, ग्रेटर देन जीरो। अल्फा बीटा कैसा आएगा, ग्रेटर देन जीरो। तो दोनों रूट पॉजिटिव तभी होंगे जब तीनों ये कंडीशन साइमल्टेनियसली वैलिड हो। तीनों ये कंडीशन साइमल्टेनियसली कब वैलिड होंगी, पहली वाले से क्या आ रहा है, ध्यान से देखिए, पहले से आ रहा है, मैं कैलकुलेट कर चुका हूं, माइनस इनफाइनाइट से वन यूनियन, बोथ आर पॉजिटिव, रियल भी हो सकते हैं, तो ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा यहां, नो प्रॉब्लम, तो यहां इक्वलिटी भी आ जाएगी। दूसरे से आ रहा है अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन जीरो, अल्फा प्लस ए माइनस थ्री ग्रेटर देन जीरो, तो ए कैसा आ रहा है, ग्रेटर देन थ्री आ रहा है। एंड थर्ड वन से ए ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, तो ए ग्रेटर देन जीरो। तो फर्स्ट कंडीशन, सेकेंड कंडीशन एंड थर्ड कंडीशन तीनों की तीनों अगर वैलिड होंगे तो रूट्स मेरे पास पॉजिटिव आएंगे। रूट्स पॉजिटिव आएंगे तो उसके लिए रिक्वायर्ड एंड सफिशियंट ए की जो वैल्यूज हैं वो मेरे पास कितनी आ गई, ध्यान से देखिए, ये तीनों कंडीशन एक साथ वैलिड होनी चाहिए, तो ये तीनों एक साथ वैलिड है, क्लोज ब्रैकेट नाइन टू इन्फिनिट, क्लोज ब्रैकेट नाइन टू इन्फिनिट। बोथ रूट्स आर निगेटिव, तो दोनों रूट निगेटिव हैं, डिस्टिंक्ट नहीं दिए हैं, तो ऐसा कब होगा, जब रियल तो होंगे, डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। सेकेंड वन, अल्फा प्लस बीटा लेस देन जीरो होगा, एंड थर्ड वन अल्फा बीटा ग्रेटर देन जीरो होगा, मतलब दोनों रूट, दोनों के दोनों नंबर निगेटिव होंगे अगर अगर मेरे पास वो रियल है, पहली बात। दूसरी बात, उनका सम कैसा आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। तीसरी बात, उनका प्रोडक्ट कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो जब मैं इन तीनों इनइक्वलिटीज को साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा तो फर्स्ट से क्या आएगा, माइनस इनफाइनाइट टू वन क्लोज यूनियन, पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, नाइन टू इनफाइनाइट, अल्फा प्लस बीटा लेस देन जीरो, तो अल्फा बीटा माइनस थे, ए लेस देन थ्री आ रहा है इससे, अल्फा बीटा ग्रेटर देन जीरो, तो ए ग्रेटर देन जीरो आ रहा है। तो ये तीनों की तीनों एक साथ वैलिड हो, तो माइनस इनफाइनाइट टू वन, नाइन टू इनफाइनाइट, लेस देन थ्री एंड ग्रेटर देन जीरो, तो फाइनल आंसर आ रहा है, तीनों का इंटरसेक्शन कितना आ रहा है, जीरो ओपन टू वन क्लोज। अगर मेरे पास ए की वैल्यू जीरो ओपन टू वन क्लोज होंगी तो दोनों के दोनों जो रूट्स हैं वो कैसे आएंगे, दोनों के दोनों रूट्स मेरे पास कैसे आएंगे, निगेटिव आएंगे, दोनों के दोनों रूट्स कैसे आएंगे, निगेटिव, ठीक है। एटलीस्ट वन रूट इज पॉजिटिव, तो सबसे बेस्ट अप्रोच है कि रियल, बोथ रूट्स आर रियल, एटलीस्ट वन रूट इज पॉजिटिव, तो इसके लिए बेस्ट अप्रोच क्या रहेगी, कि मैं दोनों रूट्स रियल कब होंगे वो कैलकुलेट कर लिया, तो उससे क्या आया मेरे पास, माइनस इनफाइनाइट टू वन क्लोज यूनियन, नाइन टू इनफाइनाइट, सही है। अब दोनों रूट, दोनों के दोनों रूट पॉजिटिव कब हैं वो कैलकुलेट कर लिया, नाइन टू इनफाइनाइट, तो अगर इस डी में से, इस सेट में से, इस सेट को गायब कर देंगे हम, ये ग्रेटर देन थ्री, इनका जो आंसर आया बोथ रूट्स पॉजिटिव का यही आया था, नाइन टू इनफाइनाइट, तो इसे हम गायब करेंगे तो आंसर आ जाएगा मेरे पास माइनस इनफाइनाइट टू वन। तो माइनस इनफाइनाइट टू वन के लिए मैं कह सकता हूं कि एटलीस्ट वन रूट इज पॉजिटिव। मैंने क्या किया, दोनों रूट्स रियल हैं, उसमें से ऐसे केस हटा रहा हूं मैं कि जब दोनों रूट्स पॉजिटिव हैं, तो कम से कम एक रूट पॉजिटिव जरूर होगा, एटलीस्ट वन रूट इज पॉजिटिव। नहीं नहीं, इसमें से ये नहीं हटाना चाहिए, एटलीस्ट वन, कम या तो एक पॉजिटिव चाहिए या दोनों पॉजिटिव चाहिए, तो मुझे दोनों रूट्स रियल हैं, उसमें से ऐसे केस हटाने चाहिए जब दोनों रूट्स कैसे हैं,
निगेटिव है। अगर उन रूट उन केसेस को मैं हटा दूंगा तो मेरे पास ऐसा केस आ जाएगा जब कम से कम एक रूट पॉजिटिव जरूर होगा। तो बोथ रूट्स आर निगेटिव किसके लिए आए थे? बोथ रूट्स आर निगेटिव आए थे मेरे पास 0 to 2, तो इसमें से 0 to 2 का 0 to 1, तो 0 to 1 का केस इसमें से अगर मैं हटाऊंगा तो मेरे पास फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? फाइनल आंसर आएगा मेरे पास माइनस इनफाइनाइट टू 0 यूनियन 9 टू इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट टू 0 यूनियन 9 टू इनफाइनाइट। ठीक है ना, फोकस करिए, दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं, कैलकुलेशन अपने आप ध्यान से करनी चाहिए। पहली बात, कॉफिशियंट रियल हैं, बोथ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। बोथ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट के लिए क्या है, डी ग्रेटर देन 0 अप्लाई करना है मुझे। लेकिन ये कंडीशन कब होती है? जब रूट्स कैसे हो, कॉफिशियंट कैसे हो, रियल एंड डिस्टिंक्ट। बोथ रूट्स आर इक्वल, डी इक्वल टू 0 किया है इसमें, कुछ कोई नई बात नहीं है। बोथ रूट्स आर नॉट रियल, डी लेस देन 0 है। बोथ रूट्स आर इन अपोजिट साइन, तो इसका मतलब क्या है, डी ग्रेटर देन 0 डिफरेंट तो है, साथ में अल्फा बीटा लेस देन 0। बोथ रूट्स आर इन इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइन, तो अल्फा प्लस बीटा 0 आएगा, साथ में अल्फा बीटा कैसा आएगा, लेस देन 0, मतलब ये दोनों एक साथ वैलिड होनी चाहिए। बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, तो कोई भी दो नंबर पॉजिटिव कब होंगे, जब डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, साथ में उनका सम कैसा हो, पॉजिटिव हो, और प्रोडक्ट भी कैसा हो, पॉजिटिव हो। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है 6th कि तीन कंडीशंस मुझे अप्लाई करनी है और तीनों में क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। बोथ रूट्स आर पॉजिटिव मींस क्या आएगा, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मे बी इक्वल भी हो सकते हैं, एंड सेकेंड वन सम ऑफ रूट ग्रेटर देन 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट ग्रेटर देन 0। बोथ रूट्स आर निगेटिव, इसका मतलब क्या, सम मे बी पॉजिटिव मे बी निगेटिव बट प्रोडक्ट इज लेस देन 0, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एटलीस्ट वन रूट इज पॉजिटिव, कम से कम एक रूट पॉजिटिव हो। ये निगेटिव अप्रोच से किया हमने, ये कैसे किया कि बोथ रूट्स आर रियल, उसमें से ऐसे केस हटा दिए जब दोनों के दोनों कैसे हो, रूट्स निगेटिव हो, तो दोनों के दोनों रूट निगेटिव होंगे। अगर मैं उससे हटा दूंगा जब दोनों रूट्स रियल हैं उसमें से, तो मेरे पास ऐसे केस ऑप्टेंट हो जाएंगे एटलीस्ट वन रूट इज पॉजिटिव, और इसका आंसर कितना आया था, माइनस इनफाइनाइट टू 0 क्लोज यूनियन 9 टू इनफाइनाइट। ठीक है, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, दोबारा से करिए, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो उसको चेक करिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके।